Hello students, in the last lecture we finished the chapter. Now in today's lecture we are taking next topic of grammar, that is question tag. Now students, what is question tag? Question tag क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो डोंट राइट एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल यू आर टोल्ड. ओके, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड टू कंफर्म अ गिवन सिचुएशन. ओके, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड टू कंफर्म अ गिवन सिचुएशन, राइट. The main difference main thing to remember is the form of question tag. The form is statement plus comma plus tag, that is the question tag, and then question mark. The question tag is always of this form, correct students? Question tag जो होता है ये एक particular situation को confirm करने के लिए होता है, right? जो students last year थे उन लोगों को इसके बारे में पता होगा. मैंने ये सिखाया भी था आप लोगों को, काफी सारे बच्चों ने ये सीखा है क्वेश्चन टैग. और इसके अंदर सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं होली के दिन का, ठीक है. होली का जो डे होता है उसपे अपने अपने फ्रेंड के घर पे जाके कलर लगाते हैं, ठीक है. तो मुझे नहीं पता आप लोग कब जाते हो कलर लगाने, लेकिन मैं तो शाम को 4 बजे जाता हूं. आपको लगेगा ये ऑकवर्ड टाइम, लेकिन मुझे मजा आता है 4 बजे जाने का. उसको जाके मैं पूछता हूं, यू हैव टेकन अ बाथ, हैवंट यू? क्या पूछा मैंने? पहले मैंने पूछा नहीं, पहले मैंने बोला यू हैव टेकन अ बाथ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो अच्छे से नहा धो के कपड़े नए पहन के बैठा है. शाम को 4 बजे तक होली खत्म हो जाती है, नए कपड़े पहन के बैठा है. सो आई आस्क यू हैव टेकन अ बाथ, हैवंट यू? अब ये मैंने उसको पहले बोला कि तुमने ना लिया है, फिर कंफर्म किया है कि नहीं. फ्रेंड बोलेगा हाँ मैं तो नाके बैठा हूं, फिर मैं उसको बताऊ हैप्पी होली पूरा भर देने का. उस टाइम पे मजा आता है भरने का. सो व्हाट आई डिड इज आई यूज क्वेश्चन टैग. तो इससे आपको क्वेश्चन टैग का मीनिंग पता चल गया. क्वेश्चन टैग में क्या होता है? सिचुएशन हमें पता होती है, हम सिर्फ उसको कंफर्म करना चाहते हैं, ठीक है. अब जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो किसी को रिसीव करते, आपको पता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी. आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच जाते हो, आप देखते हो प्लेटफॉर्म खाली है, मतलब ट्रेन अभी तक नहीं आई है. तो आप पूछोगे किसी से भी, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, हैज इट? आप पहले क्या बोलते हो? जो आपको दिख रहा है, ट्रेन हैज नॉट अराइव. और फिर आप पूछते हो हैज इट? दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में सिचुएशन पहले से पता होती है, सिर्फ उसको कंफर्म करने के लिए पीछे टैग लगाया जाता है. एंड इट इज ऑलवेज ऑफ दिस फॉर्म, स्टेटमेंट कॉमा टैग क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड इसके अंदर रूल जो है वो वही है कि टैग हैज टू वर्ड्स, राइट, ऑक्सिलियरी एंड प्रोनाउन. अब ये जो प्रोनाउन है इट शुड मैच विथ द सब्जेक्ट, ठीक है. सपोज अगर लड़का हो तो प्रोनाउन ही आएगा, लड़की हो तो प्रोनाउन शी आएगा,
ठीक है। तो प्रोनाउन शुड मैच विद द सब्जेक्ट, और ये ऑक्सिलरी जो है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। तो दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। अभी आप लोग ये इतना लिख लीजिए, राइट, देन वी विल टेक अप द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस। So let's take the exercise from your textbook. Sentence 1. So these are the five answers which you are supposed to write. Write down these five questions. So here answer number 1, Lento stood alone in the middle of the field. तो answer में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो पूरा ये sentence copy करना पड़ेगा, listen carefully, पहले तो आपको answer में पूरा ये sentence copy करना पड़ेगा क्योंकि question tag में पहले statement पूरा आता है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा comma, उसके बाद यहाँ पे टैग। अब टैग में देखिए क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रोनाउन, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, अब नहीं है तो अपने को एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी डू डज और डिड, यहाँ पे स्टूड है मतलब पास्ट टेंस, तो क्या आएगा, डिड आएगा। अब क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग विल बी नेगेटिव, डिडंट
और प्रोनाउन लेंटो के रिलेटेड, मतलब डिडंट ही एंड क्वेश्चन मार्क. दिस इज योर आंसर. आंसर में ये पूरा स्टेटमेंट आएगा. मैंने ये कॉमा करके इतना किया है, आपको इतना ही नहीं करना है, आपको पूरा स्टेटमेंट आंसर में फिर से लिखना पड़ेगा. ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडम इज इनडिविजिबल. अब यहां पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इज है, ठीक है, तो इज का हो जाएगा इज़न्ट. तो यहां पे कॉमा इज़न्ट और फ्रीडम इट इज अ थिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इट आएगा इज़न्ट इट. दिस विल बी द आंसर. अब यहां पे द सीगल वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. अब यहां पे देखिए वॉज नॉट है, नॉट मतलब ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड प्रेजेंट है तो खाली वॉज आएगा. और सीगल चैप्टर में दिया हुआ है ही, चैप्टर में इसके रिलेटेड प्रोनाउन दिया है ही, तो अपने वही प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि सीगल मेल होता है तो वी से वॉज ही. करेक्ट. फोर्थ वन, एनी टॉक टू मच इन क्लास. तो ये अगेन टॉक्ड है, पास्ट टेंस है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो डिड आएगा, डिड का डिडंट एंड एनी की जगह पे शी डिडंट. करेक्ट. फिफ्थ है आई एम टेकिंग माई प्लेन इन द स्टॉर्म. एम का क्या होगा आयंट, एम का आयंट आयंट आई. करेक्ट. एक और ले लेते हैं. सेरेमनी टुक प्लेस इन एम्फी थिएटर. इसमें क्या होगा टुक है तो डिडंट और सेरेमनी है तो इट डिडंट इट. करेक्ट. सो प्लीज राइट डाउन ऑल दीज आंसर्स, सिक्स आंसर्स. So you can pause this video students if you are still writing because I am going to rub it. So now students, let's start with another topic, that is exclamatory sentence. सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट.
ओके, और एनी क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये एम्फेसिस के लिए यूज होता है। एम्फेसिस मतलब एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देना, ठीक है। सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस पर ज्यादा इफेक्ट देना, या फिर सब्जेक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा इफेक्ट देने के लिए एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, कैसे बनाने का है एक्सक्लेमेटरी। इफ द सेंटेंस कंटेन्स ए और एन आफ्टर द मेन वर्ब स्टार्ट विथ व्हाट, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन ए और एन आफ्टर द मेन वर्ब स्टार्ट विथ हाउ। स्टूडेंट्स, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में ए और एन आता है आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर तुरंत ए और एन आए, पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं, मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है, उसके बाद अगर तुरंत ए और एन आता है, पीछे नहीं आना चाहिए उसी जगह पे, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ व्हाट। एंड इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन ए और एन आफ्टर द मेन वर्ब स्टार्ट विथ हाउ। इसके अलावा जब आप सेंटेंस हाउ से बना रहे, सो व्हाइल फॉर्मिंग एक्सक्लेमेटरी विथ हाउ रिमूव सो वेरी टू मच एक्सेट्रा, क्वाइट भी आ सकता है। ये जो वर्ड्स है ये डिग्री के वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री, ठीक है। ये मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं बाद में, लेकिन जब आप हाउ से सेंटेंस बनाते हो तो ये डिग्री के रिलेटेड वर्ड्स रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल में हम समझ जाएंगे कैसे होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ दैट, अगर दैट से सेंटेंस स्टार्ट होती है, ये जैसे के कोई भी सेंटेंस में पहला वर्ड अगर दैट हो तो उस सेंटेंस में स्टार्ट विथ एलास, और उसके बाद फिर सीधे सीधे एक्सक्लेमेटरी, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वही लिख देना पड़ेगा। एलास में ऐसा होता है, पूरा सेंटेंस वही का वही आता है, ठीक है। स्टार्ट विथ एलास। इसके अलावा फॉर सरप्राइज स्टार्ट विथ ओ, ओ से स्टार्ट करते हैं अगर सरप्राइज वाला सेंटेंस है तो, ठीक है। अगर सेंटेंस में सरप्राइज आता है तो स्टार्ट विथ ओ, ठीक है। तो ये आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपने एक्सरसाइज से।
नाउ फर्स्ट सेंटेंस कश्मीर इज अ ब्यूटिफुल प्लेस So students, please write down these six sentences. Now students, the first sentence. Kashmir is a beautiful place. अब यहां पे देखिए students क्या होगा, यहां पे हम कश्मीर से ज्यादा हम ये बताना चाहते हैं कि it is a beautiful place. तो हमें beautiful place है इस बात पे ज्यादा emphasis डालना है rather than on Kashmir. ठीक है, ये पर्पस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का कि वर्क डन बाय द सब्जेक्ट और द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट. यहां पे सब्जेक्ट की क्वालिटी है, सब्जेक्ट कश्मीर है, उसकी क्वालिटी है कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस है. तो क्वालिटी पे हमें ज्यादा एम्फेसिस देना है, ना कि प्लेस पे. सब्जेक्ट से ज्यादा उसकी क्वालिटी या उसका वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो यहां पे ए और एन आता है तो अपने व्हाट से स्टार्ट करेंगे. सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. अब यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ड ये सीधे सीधे पीछे चले जाएंगे, उठा के पीछे रखना है, इंटरचेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, वरना क्वेश्चन बन जाएगा. अगर आप ये ऐसा लिखोगे ना व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज कश्मीर तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो वो नहीं करना है. इज और कश्मीर को इंटरचेंज नहीं करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इज और कश्मीर को इंटरचेंज नहीं करना है, सीधे सीधे कश्मीर इसको उठा के पीछे रखना है. तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस कश्मीर इज. एंड एक्सप्लेनेटरी पार्ट, तो ये देखिए ये सीधे इधर पीछे आ गया. ठीक है,
नाउ आई सॉ अ फ्राइटनिंग नाइटमेयर. नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, बहुत ही डरावना और बुरा सपना. ठीक है, तो ये व्हाट से सेंटेंस आएगा क्योंकि इसमें भी ए आता है. तो व्हाट अ फ्राइटनिंग नाइटमेयर आई सॉ विल बी एक्सप्लेन. ये आई सॉ जो है वो सीधे पीछे चला गया. अब स्टूडेंट्स थर्ड देखिए, द वॉटर वॉज टू कोल्ड टू टेक अ शावर. यानी पानी इतना ठंडा था कि उसमें शावर नहीं ले सकते थे. इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? द वॉटर वॉज टू कोल्ड टू टेक अ शावर. तो ये इसमें अभी ए और एन नहीं है, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हाउ से. अब हाउ में क्या होता है, हाउ जब होता है तब आपको ये टी डबल ओ एस ओ ये सब वर्ड निकालने पड़ते हैं. क्योंकि इसमें देखिए सेंटेंस क्या आएगा, हाउ टू कोल्ड टू टेक अ शावर वॉटर वॉज रॉन्ग. हाउ कोल्ड द वॉटर वॉज टू टेक अ शावर. तो इसमें हाउ टू कोल्ड द वॉटर वॉज टू टेक अ शावर, ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मजा ही नहीं आता है, सेंटेंस बनता ही नहीं है. तो इसमें टू निकालना पड़ेगा क्योंकि टू का मीनिंग ऑलरेडी हाउ में आ गया. हम ऐसा बोलते हैं हाउ कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड. इसमें टू का जो मीनिंग है कि पानी बहुत ज्यादा कोल्ड था वो हाउ में आ गया, हाउ कोल्ड. राइट, सो हाउ कोल्ड द वॉटर वॉज टू टेक अ शावर. ये आएगा आंसर थ्री. करेक्ट. अब यहां पे देखिए ये जो वॉटर वॉज है ये कहां पर गया, कोल्ड के बाद. क्योंकि ये जो पीछे जो टू टेक अ शावर है ना, ये एक क्लॉज है, ये टू से स्टार्ट हो रहा है ना, टू टेक अ शावर, दिस इज अ क्लॉज. तो इसको लास्ट में ही रखना पड़ेगा. तो ये द वॉटर वॉज का आ जाएगा ये कोल्ड के बाद. करेक्ट, इन दोनों सेंटेंस इसमें क्लॉज नहीं है इसलिए ये पीछे चला गया, लेकिन इसमें क्लॉज है तो जहां पे क्लॉज हो उसमें क्लॉज लास्ट में आएगा. तो क्लॉज से पहले जो वर्ड है उसके बाद ये वॉटर वॉल्स आएगा. द हॉर्स रैन वेरी फास्ट. अब यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, तो द हॉर्स रैन ये सब्जेक्ट और वर्ब, इसको पीछे लेना है. वेरी जो है वो कट हो जाएगा, फास्ट से सेंटेंस स्टार्ट होती है. तो हाउ फास्ट द हॉर्स टू रैन. करेक्ट स्टूडेंट्स, ये चार सेंटेंसेस का आंसर लिख लीजिए, लास्ट के दो बाद में करवाता हूं. अब स्टूडेंट्स देखिए, दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर. अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट से, पहला वर्ड दैट है, इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. किसने लाइफ चेंज की, कोई लाइफ का इंसिडेंट था जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो गई.
लेकिन वो इंसिडेंट इधर दिखाया नहीं हुआ है, डेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये डेट जो है, इट इज स्टैंडिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये टाइम से रिलेटेड है कि भाई डेट चेंज माय लाइफ फॉर एवर, मतलब कुछ हुआ जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो गई, तो कुछ टाइम से रिलेटेड एलिमेंट है पास्ट में। तो ये एलास से स्टार्ट होगा। अब जब आप एलास से सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो एलास के बाद कॉमा आएगा और सीधे सीधे इसी को लिख देना है। एलास से जब सेंटेंस होता है तो आगे पीछे कुछ नहीं करना है, एलास के बाद पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। तो एलास दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर, दिस विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द मनी, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया टू सी द मनी। अब इसमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ही वॉज सरप्राइज्ड, तो ये इसमें आप दो आंसर्स लिख सकते हो, एक तो आप हाउ से भी लिख सकते हो और दूसरा आप जैसे मैंने बताया पहले ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप एक सेंटेंस को ये हाउ से लिखोगे तो हाउ सरप्राइज ही वॉज टू सी द मनी, एक तो ये आंसर आएगा। देखिए, हाउ सरप्राइज ही वॉज How surprised he was to see the money। और इसके अलावा एक दूसरा आंसर इसका आ सकता है, यहां पे स्टूडेंट्स बॉक्स में लिख रहा हूं इसका सिक्स्थ का और वाला आंसर, और सिक्स्थ का आंसर एक और आ सकता है, ओ ही वॉज सरप्राइज सी द मनी, करेक्ट, दिस विल बी द आंसर। तो सिक्स्थ में ये दो आंसर आ सकते हैं, एक तो हाउ सरप्राइज ही वॉज टू सी द मनी, ये हमारा सिंपल रूल ये इसमें ए और एन नहीं है तो हाउ से स्टार्ट होगा, हाउ सरप्राइज, और ही वॉज इधर आएगा क्योंकि ये टू वाला जो है ये क्लॉज है ये लास्ट में ही रखना है, या फिर ओ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ओ का भी सेम रूल है, ओ के बाद कॉमा करके पूरा सेंटेंस वही का वही लिख देना है। तो ओ ही वॉज सरप्राइज टू सी द मनी, करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन दीज टू आंसर्स। Students, that's it for today. See you in the next lecture. Goodbye.